दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। साथ में आप यहाँ पे ये देख सकते हैं ट्वेल्थ पास साइंस अगर आपने स्ट्रीम से कर रखा है ट्वेल्थ पास जो है ये, तो यहाँ पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे जो है ये लास्ट डेट की बात करेंगे यहाँ पे जो है वो 13 मई 2024 है। ठीक है, 13 मई 2024 की लास्ट डेट है। यहाँ पर जो ये बात करें यहाँ पर सैलरी की, यहाँ पर जो सैलरी यहाँ पर दी जाएगी आपको जो ये यहाँ पर 22,000 रुपये टेंथ प्लस डिप्लोमा वाले को दी जाएगी, और साथ में इसमें 29,200 रुपये सैलरी यहाँ पर जो है ये आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर, मैं आपको बता रहा हूँ ट्वेल्थ पास अगर आपने कर रखा तो यहाँ पर जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ पर जो है ये यहाँ पर देख लीजिए प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर वैकेंसी यहाँ पर जो आ चुकी है, जिसमें अगर आपने ट्वेल्थ पास कर रखा तो उसके अंदर फॉर्म जरूर भरिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो बात करेंगे यहाँ पर जो है इसके बाद 10+2 वाले को यहाँ पर ये जो है वैकेंसी आ चुकी है आपको जो है अगर आप 10th पास कर रहेगा तो 22,000 रुपये सैलरी है, ऊपर आपको 29,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लास्ट डेट की बात करेंगे तो 13 मई 2024 है ये, और यहाँ पे जो वेन्यू स्थान वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे जो है ये वह कहता है अटेस्ट भी दिया हुआ। ठीक है, और यहाँ पे देखते वो आपका इंग्लिश में था और ये आपका हिंदी में है। देखो यहाँ पे अगर आपने 12th पास कर रखा तो यहाँ पे सैलरी आपको जो है यहाँ पर जो है ये देख लीजिए यहाँ पे 29,200 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। और यहाँ पर जो है कंप्यूटर, आप सभी जानते हैं अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना है तो कंप्यूटर का ज्ञान तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर जो है ये इस तरीके से 10+2 वाले को यहाँ पर जो है ये 10+ डिप्लोमा वाले को सैलरी 22,860 रुपये प्रतिमाह सैलरी में दी जाएगी। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट की जो PDF बना के जो है वो इस बार ईमेल आईडी पर आप जो है वो सेंड कर दीजिएगा यहाँ पर जो ये। और यहाँ पर लास्ट डेट की बात करेंगे यहाँ पर जो वो 13 मई 2024 है यहाँ पर जो ये, और यहाँ पर जो बात करें यहाँ पर साक्षात्कार का समय है और ये स्थान दे रखा है। ठीक है, ईमेल वगैरह फ़ोन नंबर यहाँ पर जो है वो आपको सूचित कर दिया गया है। कहना मतलब क्या है कि सारे डॉक्यूमेंट PDF बनाकर आप सेंड करेंगे यहाँ पर इस वाली ईमेल आईडी पे जो है ये, तो इसके बाद आपका इंटरव्यू का समय और आपका स्थान, आपको जो है फ़ोन नंबर तो आप लिखेंगे फॉर्म पर, तो यहाँ पर जो आप भेज दीजिएगा। ठीक है, तो ये आप ये पूरा देख लीजिए यहाँ पर जो है ये। बात करें यहाँ पर एड्रेस की, तो एड्रेस वगैरह यहाँ पर जो है वो सब कुछ यहाँ पर जो है वो दे दिया गया है ये जो है। बात करें यहाँ पे जो इंदिरा गांधी इसमें एयरपोर्ट की तरफ से वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर जो IGI मतलब क्या आई से हो गया आपका इंदिरा गांधी, ठीक है, जी से हो गया गांधी या आई से हो गया इंदिरा। ठीक है, इंदिरा गांधी यहाँ पर जो ये यहाँ पर हवाई अड्डे की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी आई, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो है बात करें यहाँ पर एयरपोर्ट ग्राउंड की 10+2 और आपने कर रखा और 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट है, सैलरी यहाँ 25,000 से 35,000 के बीच में दी जाएगी, जिसके बारे में जानकारी कई सारे अखबारों में भी आ चुकी है। महिला पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये 12th पास अगर आपने कर रखा तो यहाँ पर जो है ये इसमें आवेदन आप ये कर दीजिएगा यहाँ पर जो है ये। और यहाँ पर सेंटर वगैरह सबको शो कर रखा है, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो आगरा है, गोरखपुर है, कानपुर है, लखनऊ है, प्रयागराज, बनारस, और इसके बाद जो है पटना के अंतर्गत आपका दरभंगा है और पटना मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो ये वैकेंसी यहाँ पर जो है ये इन सेंटर पर यहाँ पर एग्जाम होगा। और यहाँ पर भी जो है ये देख लीजिए अखबार के द्वारा यहाँ पर जो वो जानकारी दी गई है, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है ये आपका जो है IGI मतलब क्या आई से हो गया आपका इंदिरा गांधी, आई से हो गया इंदिरा और जी से हो गया गांधी है, आई से हो गया एयरपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वैकेंसी जो आएगी यहाँ पर जो है एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है ये आपका 12th क्लास पास अगर आपने कर रखा है साथ में 22 मई 2024 तक इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, और जो है ऑफिशियल जो है वेबसाइट ये देखिए यहाँ पर जाकर ये वाला फॉर्म जो है वो भर दीजिएगा यहाँ पर जो। बात करें यहाँ पर जो है ये आपका जो 8 मई 2024 इसमें जो है ये इसका नोटिस आया था और यहाँ पर जो है बाबू की भर्ती है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए LDC जो आप समझ जानते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क होता है, तो बाबू की भर्ती के बारे में जो जानकारी मिली है वो आपको नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर आएंगी। यहाँ पर भर्ती जो है वो कब आएंगी तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है ये आपका 15 जुलाई 2024 को जो है इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लॉन्चिंग पोर्टल मतलब क्या है आपका, इसमें TJD PGT के हो गया, साथ में इसमें LDC हो गया और जितनी भी वैकेंसी नॉन टीचिंग का विज्ञापन आप सभी जानते हैं यहाँ पर निकल चुका। ठीक है, बात करें यहाँ पर जो है 15 जुलाई 2024 को इसका जो है वो नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। बात करें इसका एग्जाम की, तो 30 सितंबर 2024 में एग्जाम होगी, है ना। मेरिट लिस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे 31 अक्टूबर 2024 तक इसके अंदर का जो है ये यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट वो कैंडिडेट इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें जो है ये पूरा वैकेंसी यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर जो इंटरव्यू की यहाँ पर लिस्ट वो जारी हो चुकी है, यहाँ पर ये आपका नाम दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए 17 इसमें जो है ये मई 2024 कहने मतलब कि 17 मई 2024 को इंटरव्यू, 16 मई को था, तो यहाँ पर जो है ये इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर जो है ये नाम यहाँ पे देख लीजिए आपने, अपना जो नाम है आपका जो है रीना है, कीर्ति है, ये आशा बोल हैं यहाँ पर जो है ये। इसके बाद यहाँ पर
भगवान दास है तो यहाँ पर सभी नाम दिए हुए हैं, सुरेश सिंह है, इसके बाद इसमें दीक्षित तिवारी, ठीक है। तो यहाँ पर नाम, सबके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर एक बार यहाँ पर ये लिस्ट देख लीजिए। 8 बजे से इंटरव्यू कराया जाएगा यहाँ पर जो, तो ये वाला जो है PDF मैं अपने जो है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा यहाँ पर जो है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वगैरह जो है वो इसमें हर वीडियो का डे है वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो 17 मई 2024 तक इसके अंदर फॉर्म जो है इंटरव्यू देना आप जरूर जाएगी यहाँ पर जो है, ये इस तरीके से पूरा लिस्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये बताया गया, ठीक है। तो पूरा लिस्ट यहाँ पे कम से कम कितने कैंडिडेट यहाँ पर जो है देख सकते हैं, 75 कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं। ये बात और इसमें जो है अभी पीछे से प्यून भर्ती आई थी, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि लिस्ट कहाँ से आई कानपुर, इसमें जो है ये तो सहारनपुर आपने देखा होगा, यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाली गई थी, यहाँ पर जो है ये आपका फरुखाबाद इटावा औरैया से वैकेंसी आई थी, उसी के वहाँ पर लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई थी, उसी के बारे में इंटरव्यू दिया हुआ है। अगर अपने फॉर्म डाला हुआ तो जरूर इंटरव्यू देने आप वो जरूर जाइएगा, ठीक है। पूरा लिस्ट यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है तो यहाँ पर जो है पूरा लिस्ट यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। आपका नितिन कुमार हो गया ये, इसके बाद भारती गुप्ता है, अमित कुमार है ये हैं, इसके बाद आराधना शर्म मिश्रा ये, रामबरन है ये, पूरा लिस्ट यहाँ पर 17 मई 2024 तक इसमें जो है ये इंटरव्यू के यहाँ पर 8 बजे से इंटरव्यू कराया जाएगा, ठीक है। तो रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर देख लीजिए, पूरा लिस्ट यहाँ पर जो है दिया गया यहाँ पर जो बात करें यहाँ पे जो इसमें उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सेवा चैनल की तरफ से जो वैकेंसी आई है अब 31 मई 2024 तक इसके अंदर जो है वो डेट इसमें चल रही है, ठीक है। इसमें जो वैकेंसी बात करें यहाँ पर 3,446 पदों पर जो वैकेंसी यहाँ पर जो निकाली गई, और इसके बारे में जानकारी मैंने आपको कल आपको दे दी थी, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से वैकेंसी आई थी यहाँ पर जो ये, तो ये वैकेंसी जो पोस्ट ऑफिस की तरफ से यहाँ पर बताई गई, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया हुआ है, जिसके बारे में जानकारी जो है ऑफिशियल जो है वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो, तो यहाँ पर जो है वो लास्ट डेट की बात करें, यहाँ पर लास्ट डेट की है 24 मई 2024 तक इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडिया पोस्ट बैंक की तरफ से, तो यहाँ पर जो है PDF बना के इस वाली ईमेल आईडी पे आप जो है वो सेंड कर दीजिए यहाँ पर जो, और जो और ऑफिशियल जो है वेबसाइट ये रखिए, और यहाँ पर जाके वाला फॉर्म जो है वो भर दीजिएगा। बात करें यहाँ पर कमेंट की, तो कमेंट की ओर यहाँ पर बात करें तो कह रहे हैं बकवास नौकरी, इस तरीके से यहाँ पे जो कमेंट लिखते हैं, एडिट कॉलेज के अंदर का जो आउटसोर्सिंग भर्तियों के लिए बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये मतलब कि 7-8 महीने सैलरी इसको नहीं दी जाती इन लोगों को जो है, तो बहुत परेशान है लोग बार जो ये इस तरीके से नौकरी कोई करना नहीं चाहता, ठीक है। तो अभी जो वैकेंसी मैंने आपको बताई है आपने लिस्ट जारी कर दी गई थी यहाँ पर जो ये, और देख लीजिए यहाँ पर जो वैकेंसी बात हो रही है इसमें एडिट कॉलेज के अंदर प्रबंध तंत्र से वैकेंसी के लिए बताया गया, ठीक है। तो ये बाबू की भर्ती जो होगी वो इस तरीके से सरकार के द्वारा ही कराई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एडिट कॉलेज के अंतर्गत बात चल रही है, यहाँ पर जो है प्रबंध तंत्र के द्वारा भर्ती हुई 12th पास भर्ती भी मैंने आपको इसी वीडियो के शुरू में बता दिया, ठीक है। इलेक्शन के बाद यहाँ पर इसमें कमेंट करना भाई, इलेक्शन के बाद वैकेंसी इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए पुरानी कलर भर्ती का टाइम अभी टाइम लगेगा, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल के लिए प्लस। थैंक यू वेरी मच।